सा निकालो यार। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो यादव जी आज थोड़ा टेंशन में है, यादव जी की कल भर्ती है और आज सब लड़के, आधे से ज्यादा लड़के जो है भर्ती देने वाले सब आउट होके बाहर भागा रहे हैं उन लोगों को, यानी टाइपिंग में सब लोग जा रहे हैं और यादव जी थोड़ी टाइपिंग में कमजोर है। नहीं, कमजोर नहीं हो। चलो ठीक है, नहीं है ठीक है। ये नागालैंड में नेटवर्क है ही नहीं, आसाम है। आसाम नहीं, नागालैंड में है। अपन बॉर्डर है, बॉर्डर पे है नागालैंड के। नागालैंड के बॉर्डर में है भाई आसाम नागालैंड, ठीक है। ये डेटॉल साबुन लगा के नहारे बोलना। यहाँ पे सिर्फ ये डेटॉल साबुन लगा के नहारे, डेटॉल लगा के। चलो तो भाई, हमने एक जगह घूमने का प्लान बना रखा है और बॉर्डर में है, तो अगर जाने का चांस मिले तो इधर उधर थोड़ा सा और घूम लेंगे, देखते हैं। और राइट साइड में नेपाली लोग बहुत ज़्यादा हैं, इन लोगों को हिंदी भी काफ़ी बढ़िया आती है, जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी बढ़िया जगह है भाई, इतना प्रॉब्लम नहीं है भाषा का, क्या बोलते लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। सामने काट दे रहे हैं नागालैंड वाले। चलो ठीक है, आ जाओ। क्यों उधर है, ठीक है। सो भाई, दीपक भाई उधर खाने जा रहे हैं और हम लोग इधर खाने जा रहे हैं। बात ऐसी है कि दीपक भाई को आज खाने आने का मन नहीं है, तो हम अभी खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ का लंच बहुत ही भूख लगी है, खाना खाएंगे, गोभी का सब्जी है। मेहमान के इनवाइट किया, पहले वो वहाँ से चेक करेंगे, अंदर जाएंगे किचन में और फिर वापिस आएंगे। तो फाइनली 3 दिनों के बाद भाई, जब से घर से निकला हूँ अब जाके मेरे को अच्छे से खाना खाने के लिए मिला, नहीं तो हम लोग जितनी जगह खाना खाए, जितनी जगह रुके, सब जगह खाना खाए, पेट भरा, लेकिन मन नहीं होता था। अभी थोड़ा ढंग का खाना मिला, तंदुरुस्त हो गए हम लोग। और मेरे साथीदार ने तो इतना खाया भाई ने बहुत खाना खाया है। दो लोगों का खाना भाई ने अकेले ने खा लिया, ठीक है। सो भाई, हमारे आधे साथीदार जिन्होंने अपना आधा रास्ता यार पूरा रास्ता साथ दिया यार, वो जा रहा है अभी। ये दोनों बाय, सी यू बाय, ठीक है। इनके साथ गार्डन घूमने का प्लान था भाई, लेकिन ये लोग जा रहे हैं अभी गुवाहाटी घूमने जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। गुवाहाटी कामाख्या देवी, हम लोग भी आ रहे हैं भाई गुवाहाटी कामाख्या देवी। आओ फोन करना, ठीक है। दादा जी की तबीयत नासा लग रही है, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मेरा कल शाम को चले जाऊंगा कामाख्या, शाम को 6 बजे के लिए। अभी हमारे दो साथीदार तो चले गए, अभी ये लोग बचे हुए हैं, ये दो भैया, इनके साथ मस्त गार्डन घूम के आते हैं। मोबाइल में चार्जिंग कम है इसलिए पावर बैंक रख लिया, रोटी बची थी घर से लाई हुई वो इधर डाल देते हैं, ठीक है। कोई जानवर खा लेगा भैया, हमें जो पुराना पहले रास्ता बताया गया था वो रास्ता बंद है, भाई से घर इधर, तो अभी पोपट हुआ इधर से घूम के जाने की बात हो रही है, तो अब देखो मेन रोड से जाते वापस। सिंगर भाई उधर वापस सुनिए, डिस्को है सब भाई। तो ये कंटेनमेंट एरिया है, अभी एक बंदा गेट के सामने फ़ोटो खींच रहा था, निकले आर्मी वाले उसको पकड़ के, कूटने वाले थे, बच गया भाई। तो ऐसी हरकतें ना किया करे भाई जिससे दूसरे को तकलीफ हो, जब मना किया गया कि ऐसी जगह में फ़ोटो ना खींचे तो सुन लिया करो। सेल्फी के चक्कर में कहियो कि पुंगी बच चुकी है, तो फिर क्यों ऐसे काम करने का, समझे भाई। इसने ध्यान नहीं दिया, ये गाड़ी घुस गई, ये देखो निकल जाएगी। वहां से देखते देखते आ रहे हैं, अचानक से गाड़ी घुस गई। भाई का फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट टाइम भाई, पहली बार गाड़ी चला रहे हैं। अब पहली बार में ऐसा काम कर दिया, सेम हम लोग। हाँ पहली बार में मैं जब गाड़ी चलाना सीखा था, कौन सा चैनल आपका, जब मैंने पहली बार निकाल लेगा टू व्हीलर चलाना सीखा था ना, तो घुसा दिया था दूसरे के घर के अंदर। निकालो यार। मदद मदद, एक ही पकड़ लो, एक ही पकड़ लो।
आराम से। हाँ अर्जेंट नहीं है ना, ये करना है, फिट मत कर वैसे उस फिट भाई। हम लोगों ने सारी सब लोगों ने फौज की ताकत लगा के निकाल दिया गाड़ी को। जय श्री राम। तो भाई गाड़ी वगैरह निकाल दी हम लोगों ने और अजीज जन अपना गार्डन घूमने आए थे भाई, गार्डन घूमने की तरफ जा रहे हैं और मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है इसलिए पावर बैंक लेके साथ में घूम रहा हूँ और पावर बैंक भी मेरा नहीं है। कोई बात नहीं यार, होता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है चलो, बाकी वो लोगों की गाड़ी निकली है, वो लोग गाड़ी लेके निकल गए और हमारे साथीदार इधर हैं गार्डन के जस्ट सामने, गार्डन के अंदर चल आ जाओ। सबके काम बना रहे हम लोग और हमारा काम बिगड़ रहा है। हम लोग गार्डन में घुसे, गार्डन का ये गेट भी बंद, अब इधर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के देखते हैं। आ जाओ एंट्रेंस गेट। सो भाई हम फाइनली अपने मेन गेट पर हैं और पहुंचने वाले, ये देखो। ठीक है आ जाओ, अब मेरे मोबाइल में भी थोड़ी बहुत चार्जिंग हो गई है। सो हम लोगों ने 60 रुपये पे करे, 3 लोग हैं और 20 रुपये टिकट है और ये मेडिसिनल गार्डन है, यहाँ पे कुछ जानवर भी ये बोलते हैं, देख लेते हैं। खाली स्विमिंग पूल, अरे इधर पे ये देखो हमारे दोस्तों साथीदार दो मूर्तियों के साथ। भाई दोनों को मास्क पहना दिया गया कोरोना से बचत करने के लिए, मूर्तियों को भी ये देख गया आप लोग भी। ठीक है भाई, बोटिंग है इसके अंदर, ये देखो भाई। हम लोग मेडिसिन वाले जगह पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर मेडिसिन रखी गई है अंदर, दूर से देख के अपन खुश हो जा। यहाँ पर एक बहुत अलग पेड़ दिखाता हूँ मैं, पूरा पेड़ बेल से लपटा हुआ था, बेलों से दिखाता हूँ। आ जाओ फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ यार, मोबाइल के बैक कैमरे में तो ठीक है। झाड़ पूरा बेल से लपटा हुआ, ये देखो पीछे अच्छे से दिख रही है। ठीक है आगे देखते हैं बाकी की चीजें। सो यहाँ पर हमें एक भालू भी दिखा है, ये देखो कुत्ते के जैसे दिखता है लेकिन पर के नाखून इंसानों जैसे बोलते हैं यार, लेकिन मुझे तो कुछ लग नहीं रहा। और छोटा बच्चा ये यहाँ पर शायद ट्रीटमेंट वगैरह के लिए लाया गया होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो शायद यहाँ पर नहीं रखेंगे लोग, पता नहीं यार, फॉरेस्ट वाले ज्यादा जानते हैं इस बारे में, है कि नहीं। आ जाओ आगे देखते अपन को क्या दिखता है। वो एक उधर है भाई, कछुए तो मैंने बहुत देखे लेकिन पहली बार इतने बड़े कछुए देख रहा हूँ, यानी घमेले बड़े, घमेले से जैसे बड़े। अब क्या बोले यार, देख लो ये देखो, मैंने 1760 प्रकार की बेल देखा भाई, लेकिन आज ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही। मैंने भालू नहीं देखा था, भालू देख लिया, कछुए छोटे छोटे से देखा था, आज इतने बड़े बड़े कछुए देखे भाई। अब बेल देखो, क्या बेल है यार, और ये झाड़ से निकली हुई है। हाँ ये देखो दोनों भैया फोटो निकाल रहे हैं और ये देखो जंगल, शानदार जंगल रहा। पार्क तो सिर्फ इसका नाम है यार, लेकिन पूरा जंगल के मार्फिक है, समझे। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने लायक, तो मजा आ गया घूम के तो हमें, फुल पैसा वसूल बोले एकदम। तो भाई इधर से चलते हैं अपन, इधर के रास्ते से आए नहीं थे, इधर भी घूम लेते हैं। जिसे नहीं कोई काम वो आएगा आसाम। ठीक है जिसे नहीं कोई काम वो आएगा आसाम। चलो भाई हम तो काम से ही आए थे लेकिन जिसके पास है दाम। ओ भाई ये देखो यहाँ पे पेड़ किस तरीके से, क्या बढ़िया तरीके से लगे बांस के झाड़, ये बांस थोड़े अजीब है। हाँ रुको एक सेकंड। तो वही हम लोग वापस जा रहे थे और अब पार्क में पार्क जैसी चीजें देखी, पीछे झूले वगैरह भी हैं। सो हाँ
नहीं तो ऐसा लग रहा था जंगल में आ गए हैं किसी। और कितने बड़े कछुए के बना के रखे यार ये देखो, काफी बड़े बड़ी चीजें देखने को मिल रही आज। हो गया चले अपन। तो फाइनली हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। कौन सा पेड़ है? ठीक है रिव्यू दो, दो रिव्यू दो। चालू नहीं चाहिए। सो भाई, भैया लोग बोल रहे हैं कि पार्क को रिव्यू देना चाहिए। तो पार्क में रिव्यू देने के लिए बात ऐसी है, पार्क शानदार था, पार्क में सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, लेकिन अपन जो जीव जंतु देखा मैंने वो बंधे हुए थे। सो वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपन को कोई बांध के रखेगा तो अपन को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तकलीफ होती है। सो उस हिसाब से मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शानदार थी, सारे पेड़ पौधों को बढ़िया बहुत बढ़िया तरीके से रख के रखा गया था। और हिरण देखने के लिए कहा गया था, हिरण हमें दिखी नहीं, कोई बात नहीं, हिरण थी, पोपट हो गया हमारा, पोपट हो गया हमारा, हिरण थी बोलते, ठीक है। अभी रूम चलते भाई। सुबह शाम हो चली है, हमने खाना खा लिया है और वीडियो को फिनिश करने का समय भी हो ही चुका है, क्योंकि आज के दिन तो बहुत बहुत यादगार रहा भाई, तो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा ये दिन। क्योंकि मैंने अपने एक ही दिन में काफ़ी कुछ देखा अपनी लाइफ में। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, ठीक है। तो भाई मैं अभी सोया हुआ था, उठ के क्या देखता हूँ ये देखो, ये बंदे सारे के सारे एक रात में टाइपिंग सीख के एग्जाम क्लियर करने वाले। सही बात यादव जी, नहीं मैं उन्हें टाइपिंग करने वाला। ये देखो यादव जी और इनके साझेदार एक रात में टाइपिंग सीख के एग्जाम क्लियर करने वाले। अब देखो कल क्या रिजल्ट आता है, ठीक है।